अभी ना मुझे एक कमेंट आता है, व्यक्ति कहता है सर पर्सनल लोन माफी की जो प्रक्रिया है वो बैंक एनबीएफसी के द्वारा कब शुरू की जाएगी। तो मैंने सोचा यार आपको इसमें पूरी जानकारी आखिर क्लियरली दे दी जाए और अच्छे तरीके से आपको गाइड कर दिया जाए, जिन लोगों ने भी आपको इस विषय में मिसगाइड कर रखा है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जा रही है आप 100% मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए क्योंकि कभी भी किसी भी व्यक्ति को हमारे द्वारा ना तो मैनिपुलेट किया जाता है ना मिसगाइड किया जाता है, जो रियलिटी है जो फैक्ट है वही आपके सामने ला करके रखा जाता है। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत ज्यादा परेशान हैं बैंक और एनबीएफसी से, इंस्टेंटली हेल्प चाहते हैं, इंस्टेंटली एडवाइस चाहते हैं। तो देखिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक पेड सर्विस की शुरुआत हाल ही में कर दी है। आप इस पेड सर्विस का लाभ उठाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा ये व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इस पे आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करानी है, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर प्लस आपकी जो प्रॉब्लम है वो, और आपको बताना है आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर हमें लगेगा आप सामान्य जानकारी ले रहे हैं तो सामान्य जानकारी हम आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट देकर के क्लियर कर देंगे आपको क्या करना है, बट इसमें जो चार्जेस हैं वो काफी मिनिमम होंगे। अगर हमें लगेगा आप सामान्य जानकारी नहीं ले रहे हैं, आपको एडवोकेट की जरूरत है, तो हम हमारे पास में जो मल्टीपल लीगल एडवाइजर्स हैं अवेलेबल, हम उनके पास में आपके केस को फॉरवर्ड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि देखो हम कोई खुद लीगल एडवाइजर नहीं है और हमें कोई लीगल इंफॉर्मेशन देने का कोई राइट नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जो भी इंफॉर्मेशन अपनी वीडियो में दे रहे हैं वो सामान्य जानकारी के रूप में दे रहे हैं। तो इसी तरह से मैं काफी वीडियो में इंफॉर्मेशन बताता रहता हूँ आप लोगों को, जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो सामान्य रूप से दी जाती है, आप सामान्य रूप से लें, और अगर किसी समस्या में आप हैं तो आप किसी भी लीगल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। तो चलिए अब ज्यादा वक्त न लेते हुए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बैंकों के माध्यम से एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई ना कोई लोन जरूर ले लेते हैं, और आप ऐसी प्रॉब्लम में आकर के खड़े हो जाते हैं जब आप पे नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर में जो मेरे पास मामले आते हैं वो पर्सनल लोन को लेकर के ही आते हैं। काफी व्यक्ति कहते हैं सर मैंने फलाने एनबीएफसी से पर्सनल लोन लिया है, मैं उसको पे नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ बताते हैं मैंने एक क्रेडिट कार्ड ले लिया, मैं उसको पे नहीं कर पा रहा हूँ। तो व्यक्ति क्या करते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं लोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब उनको कुछ ऐसी वीडियोज मिल जाती हैं जहां पर उनको मिसगाइड किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है और गलत तरीके से बताया जाता है कि आपका पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जो है वो माफ हो जाता है। मैंने कई वीडियो में देखा है लोगों का ये कहना है अगर आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह और पर्सनल लोन जो है वो राइट हो जाए तो समझ लो आपका लोन माफ हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। पर्सनल लोन कभी माफ मैंने नहीं देखा है कानूनी तौर पर हुए हों। पर्सनल लोन में क्या कर सकता है बैंक एनबीएफसी, हद से हद पर्सनल लोन में आपका इंटरेस्ट माफ कर सकता है, आपकी पेनल्टी माफ कर सकता है। उस भी बैंक आपका कब माफ करता है इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह, वो तब माफ करता है जब आप बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, और बैंक और एनबीएफसी को आप प्रॉपर एविडेंसेस प्रोवाइड कराते हैं और बैंक एनबीएफसी उन एविडेंसेस के आधार पर ये मान लेता है कि आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आपकी जो समस्या है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो बैंक आपको सहूलियत दे देता है, उसमें इंटरेस्ट पेनल्टी माफ कर देता है और आपको सेटलमेंट का ऑफर दे देता है ज्यादातर। अब सेटलमेंट करना भी एक तरीके से फाइनेंशियल डेथ ही है व्यक्ति की, फ्यूचर में कोई बैंक एनबीएफसी लोन नहीं देते हैं। तो देखो अगर लोन माफी की अगर आप बात करें तो देखो पहले आपको ये बात समझनी है, बहुत सी वीडियो मैंने पहले भी समझाई है बट रोज लोग नए जुड़ते हैं तो किसी के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जो लोन माफ किए जाते हैं वो सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं, जैसे केसीसी लोन या फिर कोई सरकारी योजना जो चल रही है उसके तहत, या फिर अगर किसी व्यक्ति की भगवान ना करे, मैंने एक वीडियो में और बताया था अगर मृत्यु हो जाए तो उस केस में लोन वगैरह जो है पर्सनल वो माफ कर दिए जाते हैं। ऐसे पर्सनल लोन वगैरह माफ नहीं होते हैं और ऐसी कोई प्रक्रिया आज तक सरकार के द्वारा नहीं चलाई गई है जिसमें कि पर्सनल लोन माफ हुए हों, और मेरे देखने में भी ये नहीं आया। कोई बैंक एनबीएफसी पर्सनल लोन माफ नहीं करता है। भाई पर्सनल लोन बैंक एनबीएफसी कैसे माफ कर देगा, आप मुझे एक बात बताइए, पर्सनल लोन माफ करना तो बहुत बड़ी बात है, पॉसिबल ही नहीं है भैया। पर्सनल लोन आप ले रहे हैं अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपकी जो प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए। अब इसमें बैंक क्या कर सकता है, वो तो भाई अपना पैसा वापस लेगा ही, वो तो आपको पर्सनल रूप से दिया गया है आपको पैसा,
तो बैंक तो पूरी तरह से पैसा वापस लेकर के ही रहेगा। अब काफी यूट्यूब पर जो वीडियो ऐसी बनाई जाती है जिसमें बताया जाता है वेरी गुड न्यूज, पर्सनल लोन माफ करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, अगर लोन राइट ऑफ हो गया है तो अब आपको पेमेंट नहीं करनी है, आपका पर्सनल लोन माफ हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है। अगर कोई व्यक्ति ये सजेस्ट कर रहा है अपनी वीडियो में कि अगर आपका पर्सनल लोन राइट ऑफ हो गया है और आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब भी किसी व्यक्ति का लोन राइट ऑफ होता है तो समझ लो बैंक ने उसको बट्टे खाते में डाल दिया है, उसको अपने लेजर से हटा दिया है। अब बैंक एनबीएफसी क्या करता है, इसमें रिकवरी जारी रखता है या फिर किसी थर्ड पार्टी बैंक को भेज देता है या थर्ड पार्टी एनबीएफसी को भेज देता है, उनसे कहता है कि आप इसको रिकवर कर सकते हैं, तो वो रिकवर कर लेते हैं। अब ये जो गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है पूरी तरीके से आप मत फैलाइएगा और ऐसे वीडियोस को आप शेयर ही मत कीजिएगा। तो ये वीडियो जरूर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, हेल्पफुल नहीं रही वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव देना है ईमेल कमेंट के जरिए जरूर दें। धन्यवाद।